हे गाइस, वेलकम बैक टू 37 एपिसोड ऑफ पोकेमोन रिलीज। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने एवरग्रीन टाउन में आने के बाद फट से सेव कर लिया था और तभी वहाँ पे 36 एपिसोड ख़त्म हो गया था। तो आज के एपिसोड में हम लोग इस टाउन को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग एक जिम भी है जिस जो हमारा आई थिंक 7th या फिर 8th जिम हो सकता है, आई थिंक 7th ही है। तो आज हम लोग इसको भी चैलेंज करेंगे। एंड वो नीचे आई थिंक चली थे ना, वो चली जो भी उस लड़की का नाम है, हाँ ये चली है। ओ हाय ओमकार, लैगिंग बिहाइंड अगेन आई सी। इन एनी केस वेलकम टू माई होम टाउन, इट्स सो मच नाइसर देन ग्लीनवुड टाउन। ओके डू यू थिंक, ओ लुक वॉट आई हैव, अ नाइट शेड नाइट बैच, जस्ट वॉन इट ऑफ माई ब्रो। आर यू गोइंग टू चैलेंज हिम नाउ? हाउ अबाउट वार्म अप, बैटल अगेंस्ट मी फर्स्ट? ओके तो अभी हमारी चली के साथ बैटल होने वाली है। और गाइज जो इसने अभी इन्फॉर्मेशन दी, इससे हमें यही पता चला है कि जो सिल्वर था जो कि इसका ब्रो था, ये उस जिम लीडर का बॉस होने वाला है, मतलब जिम लीडर होने वाला है। तो अभी हमारी चैली और इसके भाई के साथ भी फाइट होने वाली है आज के एपिसोड में, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लास्ट एपिसोड से हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग तो की नहीं है, जो हमारे पोकेमोन के लेवल लास्ट एपिसोड में थे उतनी ही रहेंगे अभी भी। और चैली के साथ देखते हैं अभी कौन से उसके पास भी 6 पोकेमोन की टीम है। ब्रीलूम पहला आ रहा है, ओके लेवल 64, काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली पोकेमोन चेंज करने वाले हैं, हम लोग विनोद को स्टार्टिंग में भेज देंगे क्योंकि ये एक फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट 4 टाइम्स वीक होता है। तो हम लोग विनोद से ट्राई करेंगे, काउंटर अटैक करेगा, कुछ फ़ायदा नहीं काउंटर का। हम लोग अभी फ्लाई यूज़ करेंगे गाइस, बस अब ये स्काइपर कट यूज़ ना करें क्योंकि माइंड रीडर इसका ये अटैक से क्या होता है मेरे को कमेंट में बताओ गाइस, क्योंकि मेरे को ये अटैक मैंने पहले सुना है माइंड रीडर, इससे क्या होता है। चलो हमने इसके ब्रिलूम को तो विनोद से हरा दिया है और उसके बाद अभी कौन सा नेक्स्ट पोकेमोन आने वाला है क्या पता, राइचू आने वाला है। राइचू के लिए भी हमारे पास है, हम लोग टाइफ्लोजन को आगे डालेंगे क्योंकि इसके पास अर्थक्वेक है ना, तो राइचू को इजीली वो टेक डाउन कर सकता है देखा जाए तो। 65 लेवल का है, ओके देखा जाए तो हमारे पोकेमोन जो ट्रेनिंग की थी लास्ट एपिसोड में वही ट्रेनिंग अभी तक बहुत काम आ रही है क्योंकि हम लोग इनमें से बहुत इनसे तो बहुत ही आ गया ऐसा बोल सकते हैं। और क्या पता सिल्वर का जिम कौन से टाइप का हो सकता है। एक गार्चोम पा रहा है, ओके गार्चोम के लिए भी हमारे पास है। विनोद को क्यों भेज दिया मैं यार, गलती से विनोद मैच में आ गया, अब चेंज करना पड़ेगा इसको। या फिर विनोद से भी हम लोग हरा ही सकते हैं, विनोद के पास भी तो ड्रैगन क्लॉ है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना, अभी कुछ नहीं हुआ। ओके तेरा ड्रैगन क्लो मेरे ऊपर बहुत सुपर इफेक्टिव हो सकता है, हम लोग चेंज करेंगे पोकेमोन, खाली फोकट में हम लोग चांस नहीं देंगे। फिर एलिगेटर को भेजते हैं गाइस, ड्रैगन डांस, ओके जिससे इसकी स्पीड और अटैक इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास आइस बीम है, ओके ये डिग यूज़ कर रहा है, ओके ये काफ़ी फालतू अटैक है। ये जब भी हमारी चली के साथ फाइट होती है ना तो ये हमेशा अपने इससे तो ये डीगी यूज़ कराती है गार्चोम से, और वो बहुत मेरे को देखो क्या क्या देखो 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 वाटर टाइप होने के बाद भी इतना हर्ट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। चलो
से सरवाइव कर ली। बॉडी स्लैम, शायद से मैं पैरालाइज हो सकता हूँ इसमें। नहीं हुआ, अच्छी बात है। फुल रिस्टोर आ रहा है। ओके, तो गाइज मैं इसके लिए रेडी था, मेरे को पता था। हम भी अभी जो सिल्वर इसके साथ बैटल करने जाएंगे आज के एपिसोड में, तो थोड़ा शॉपिंग करके जाएंगे गाइज। चीज़ें भी खरीद लेता हूँ ना, सुपर पोशन जैसे। बैग में कितने, 10 है ऑलरेडी। ओके, पोशन भी खरीद लेते हैं 6। ओके, क्योंकि सिल्वर मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्नर लगता है, तो उसके सामने जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है ना गाइस। और चलो आ जाते हैं जिम बैटल करने के लिए। ये क्या बैटल करें, डू यू गेट अ डार्क वाइब फ्रॉम दिस प्लेस, दैट्स गुड बिकॉज सिल्वर ट्रेंस डार्क टाइप, यू विल नीड टू कीप योर विट्स अबाउट दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो एक डार्क टाइप जिम होने वाला है यार यहाँ पे। एक्रोटिक सिटी जिम, मतलब एक्रोटिक सिटी में जैसा जिम था ना, वैसा जिम लग रहा है मेरे को ये। इससे बैटल करते हैं, लेट मी सी हाउ गुड यू आर। ओके, तो एक बैटल आने वाली है, तो चलो बैटल करते हैं। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बैटल थी, और इसमें हमारा जो मिस मैगस है वो फेंड हो गई, क्योंकि हमारी मिस मैगस एक गोस्ट टाइप पोकेमोन है। तो हम लोग यहाँ पे हील करते हैं, और एक बार मेरे को एक चीज़ करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को क्या चीज़ करनी है। हमें कोई ऐसा आइटम ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारे आइस टाइप मूव स्ट्रांग हो जाए, जो हम लोग होल्ड करेंगे इसको फिर एलिगेटर को, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी होने वाले हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले हम लोग हमारे पूरे बैग में देख लेते हैं कि ऐसा कोई आइटम है क्या जिससे हमारे आइस टाइप मूव स्ट्रांग हो जाते हैं। डॉन स्टोन से कुछ नहीं होता, एवर स्टोन, ट्रेड स्टोन, फुल हील है, एक्सपी शेयर है, सिल्वर पाउडर से क्या होता है, नहीं सिल्वर पाउडर से तो बग मूव टाइप्स मूव ही होते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है गाइस। और एक पोकेमोन को तो हमने हरा ही दिया है, मतलब उसके एक पोकेमोन ट्रेनर को हरा ही दिया है, और पता नहीं कितने ट्रेनर्स आने वाले हैं यहाँ पे। अरे रे, गलती से गिर गया। यहाँ पे धीरे धीरे जाना पड़ेगा मेरे को,
मैं फिर से गिर गया। यहाँ से सीधा जाता हूँ। ओके, क्या मैं यहाँ से नहीं जा सकता? ओके, तो अभी हमें उस वाइट वाले के सामने से ही जाना पड़ेगा, रास्ता याद रखना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पे एक और बैटल आ रही है, तो चलो करते हैं। तो चलो गाइस, इसको तो हरा दिया। अरे यार, यहाँ पे रास्ता मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ से सीधा जाना है, इतना तो पता है। फिर यहाँ से इसके पीछे से जाने का रास्ता नहीं है, तो जाने का किधर से है? एक मिनट ट्राई करते। यहाँ पे तो हम लोग आ चुके थे, फिर यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नहीं। ओके, कुछ तो नया पता। सॉरी गाइज, यहाँ पे भाग भी नहीं सकता, और मेरे में थोड़े पेशेंस कम है ना, तो इसलिए। ओके, यहाँ पे आ सकते थे हम लोग, फिर यहाँ पे भी नहीं आ सकते। ओके, कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। रुको, यहाँ पे गिर कैसे जा रहा है यार ये बंदा? क्या मेरे को स्पीड में जाना है? मेरी अभी हट रही है यार, क्या फालतू जी में। हम वहाँ पे जाके गिर चुके हैं, यहाँ पे जाके, यही यहाँ पे नहीं गिरे। ओके, यहाँ पे एक और बार, यहाँ पे भी गिर चुके। ओके, थोड़ा एक नया ट्राई करने वाला हूँ इस बार। आई थिंक मेरे को समझ चुका है कहाँ से जाना है। अबे क्या फालतू गिरी है? वहाँ पे भी गिर रहा हूँ गाइज, ये पूरा फालतू जी में। एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। तो हे गाइज, वेलकम बैक। एंड फिर से मैंने थोड़ा, मतलब बहुत बार गिर गिर के मैंने आखिर में एक सही रास्ता ढूंढ ही लिया। यहाँ से जाना था हमें, और यहाँ पे एक और बैटल है जो हम नहीं कर सकते थे, बट मेरे को करनी है क्योंकि मेरे को मेरे पोकेमोन को एक्सपीरियंस दिलाना है। तो चलो करते हैं। एक ही पोकेमोन था बेचारे के पास, और यहाँ पे यार फिर से गिर गया। बट कोई नहीं, अभी मेरे को रास्ता पता है यार। मैं लिटरली कम से कम इस जिम में एक, मतलब कितने बार तो गिर ही चुका हूँगा यार। यहाँ पे जाना किधर से? थोड़ा सा समझ में आता है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ओके ओके, सही जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे एक और बैटल है, दे कॉल मी द गेट कीपर बिकॉज आई एम सिल्वर्स राइट हैंड। ओके, तो राइट हैंड है तो ये स्ट्रांग भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं बैटल करके। ओके सो गाइस, हमने यहाँ पे सबको हरा दिया है, तो एक बार हम लोग यहाँ से गिर जाते हैं क्योंकि हमें फिर से पोकेमोन हील करने हैं ना लास्ट टाइम। तो यहाँ पे एक बार फिर से लास्ट टाइम पोकेमोन हील कर लेते हैं, उसके बाद सीधा जाके हम लोग चैलेंज करेंगे सिल्वर को, जो कि एक डार्क टाइप पोकेमोन ट्रेनर होने वाला है। तो गाइस, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी हो सकते हैं, जो कि हमारा, उसके लिए मैंने फेरालीगेटर को आइस बीम ऑलरेडी सिखा के रखा हूँ, तो हमारे लिए इट्स नॉट अ बिग डील ऐसा मेरे को लग रहा है। बट बोलते ना, एक छोटा सा टेंशन तो सबके दिमाग में होता ही है ना, इसलिए मैं भी थोड़ा वरीड हूँ, बस इतना ही बोलूँगा और कोई नहीं। यहाँ से जाने का मेरे को रास्ता पता है, बट कभी कभी पैर इधर उधर चले जाते हैं गाइज। तो यहाँ से सीधा जाने का, फिर यहाँ से ऐसे जाने का है गाइज। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको ये स्टार तक जाने का है, फिर यहाँ से ऐसे आने का है, और फिर हम लोग सिल्वर के पास जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिल्वर एक चांद पे खड़ा है, और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ थंबनेल के लिए। और इसके साथ यहाँ पे एक बार हम लोग गेम सेव कर लेते हैं और चलो बैटल करते हैं। आई फिगर यू वुड शो अप सूनर और लेटर, एज आई एम श्योर यू आर अवेयर आई स्पेशलाइज इन द डार्क टाइप। देयर इज जस्ट अ नेचुरल कूलनेस अबाउट दैम, डोंट यू थिंक? बट इनफ ऑफ दैट, इट्स अ बैटल यू केम फॉर और अ बैटल यू विल गेट। ओके, तो चलो बैटल स्टार्ट हो चुकी है गाइज, एंड फिंगर क्रॉस करते हैं इसका स्टार्टिंग का पोकेमॉन कौन सा आने वाला है।
और सिल्वर जैसे कि आपको पता ही रहेगा, अगर हम लोग हार्ड गोल्ड खेलते हो तो हमारा विलन होता है सिल्वर उसमें, और यहाँ पे वो नहीं है। हॉर्न क्रो के तो अच्छा हुआ हमने फेरालीगेटर को आगे रखा है, क्योंकि तो फेरालीगेटर के पास जो आइस बीम है वो शायद से इसको संभाल सकती है, या फिर हम लोग स्टार्टिंग में उससे भी एक बैटल कर सकते थे हॉर्न क्रो के लिए, जो हमारा पीकाचू होता है। ओके, बट कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपना जो है ना वो स्टार्टिंग में सब इसके ऊपर यूज़ कर लेगा ना, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब अगर ये जितने भी इसके पास फुल रिस्टोर है ना, वो स्टार्टिंग के लल्लू पल्लू पोकेमोन के ऊपर यूज़ कर लेगा ना, तो वह हमारे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। हम लोग एक और आइस बीम के साथ जाएंगे और इसको हम लोग डिफीट कर देंगे। ओके, उसी के साथ हमने सिल्वर के पहले पोकेमोन को तो हरा दिया, जो कि एक हॉर्नक्रो था। उसके पास वेवाइल आ रहा है, वेवाइल के लिए तो हमारे पास है टाइफ्लोजन को भेजेंगे हम लोग, बिनोद के रखेंगे हम लोग थोड़ा टाइम के लिए। मेरे दिमाग में जैसे एक स्ट्रेटजी अगर देखते वो काम हुई तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। 66 लेवल का है, फ्लेम थ्रोर यूज़ करेंगे, लो किक। ओके, जो कि काफ़ी स्ट्रांग थी, होती नहीं है वो यूजुअली, बट ठीक है, आई डोंट थिंक ये सर्वाइव कर पाएगा। चलो, इसके साथ हमने इसको भी वन शॉट किल कर चुका है, उसको वन शॉट किल नहीं हुआ था, लिटरली 2 शॉट लगे थे, बट फिर भी ठीक है। एक हाइड्रो, यही तो था खतरा है। इसके लिए हमारे पास है फेरालीगेटर, देखते हैं इसका आइस बीम, अगर आइस बीम से वो मेरे को लगता नहीं वो सर्वाइव कर पाएगा, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके ना, 68 लेवल का है। ओके, अर्थक्वेक यूज़ कर रहा है, अरे रे, अगर अर्थक्वेक हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते शायद से, कुछ नहीं हुआ। ओके, मेरे को लगा था हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बट हमने सर्वाइव कर लिया। और एक और आइस भी हम लोग देंगे इसके ऊपर, और एक और अर्थक्वेक देने वाला है। ओके, अभी इसकी भी एचपी येलो में आ जाएगी या फिर रेड में तो आ ही जाएगी, ट्राई करने में क्या जा रहा है। रेड में आ चुकी है, तो ये भी ओके, ये फ्रोजन ही हो गया, बट फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला गाइस, ये अभी ये यूज़ करने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, फुल रिस्टोर। तो हम लोग भी यहाँ पे हमारी जो फेरालीगेटर है उसकी एचपी थोड़ी सी रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका है हमारे पास। सुपर पोशन से तो सिर्फ 60 होती है, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये वाला मोमो मिल, जिससे हमारी एचपी काफ़ी हद तक रिटर्न आ जाएगी गाइस। और मैं चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए गाइज मैंने पहले एचपी रिकवर कर ली, और अभी मैं फिर से आइस बीम करने वाला हूँ। मेरे को लगा ही था ये अर्थक्वेक देगा, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार अगर हमने फिर से इसको फ्रोज़न कर दिया ना गाइज, तो फिर तो क्या बात ही बन जाएगी, बट मेरे को लगता नहीं है वो हो पाएगा। एक और आइस बीम करेंगे, एक और अर्थक्वेक आ रहा है। ओके, आइस बीम की वो ख़त्म होने वाले है गाइज, येल्लो पे आ गए। ओके, यार क्रिटिकल हिट क्यों नहीं लगती, ये एक और बार रेड में आ चुका है। और गाइज हमारे पास अभी 4 ही आइस बीम है, और हम लोग अभी एक फिर से मोमो मिल्क यूज़ करेंगे इसके ऊपर। मोमो मिल्क नहीं, मैं तो सोचता हूँ कोई ज़्यादा फुल रिस्टोर यूज़ कर ही लेते हैं एक इसके ऊपर, क्योंकि वो भी करने वाला है गाइज, मेरे को भी पता है। ओके, फुल रिस्टोर उसने यूज़ नहीं किया, अजीब बात है। इसका अटैक गिर गया, डिफेंस भी गिर गया, मेरे को लगा वो फुल रिस्टोर यूज़ करेगा, कि ख़त्म हो गए इतने ही थे। तो अभी हम लोग आइस बीम यूज़ करें कि सर्फ सर्फ ट्राई करते हैं। अरे रे, सो गया, क्या हरामी है, सॉरी अगर हरामी बोला रहेगा तो सॉरी गाइस, बट कैसा है ऐसा, ये चीटिंग है। बट आइस बीम है अपने पास, तो कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है, 2 आइस बीम और ये ख़त्म हो जाएगा। बट अगर मैं इसको पहले ही मार सकता था, बट क्या करें, मैंने तो कोई फ्यूचर देखा नहीं था ना। उठना मत, बस चलो सोया ही रहे। और इसी के साथ हमने हाइड्रा क्या नाम है इसका, हाइड्रा गन को हरा दिया है गाइज, क्योंकि ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा, मेरे को पता है ना। तो चलो गाइज, हमारे पास अभी बहुत कम ये बची है, एक एप्सोल आ रहा है। ओके, एप्सोल के लिए भी हमारे पास पोकेमोन है गाइज, हम लोग पीकाचू को भेजेंगे। पीकाचू के पास ब्रिक ब्रेक है, जो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये एक डार्क टाइप पोकेमोन है ऑब्वियसली ना, तो हम लोग ब्रिक ब्रेक यूज़ करके देखते हैं।
आई डोंट थिंक ये सर्वाइव कर पाएगा, बट फिर भी होप करते हैं कि अगर सर्वाइव कर लिया तो काफ़ी अच्छा होगा। जो कि सर्वाइव किया, ओके स्वॉर्ड डांस यूज़ कर रहा है, कोई बात नहीं। एक और ब्रिक ब्रेक बेकडी खाएगा तू, ये तो वर्ड मैंने कहीं सुना था, पर्पल लॉटरी में शायद से सुना था। ओके आई थिंक इसके पास फुल स्टोर ख़त्म हो चुके हैं तो ये कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो ये बैटल काफ़ी इजी होती जा रही है मेरे को, मैंने तो बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे। एक अम्ब्रियन द मेन बेस के साथ भी हम लोग नवाबी ना घटे ऐसा कुछ तो था, कुछ तो था ऐसा ही, कुछ तो था। फटी तो फटे ना, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे ऐसा कुछ तो था। वही सीन यहाँ पे चारों है सिल्वर का। यार सिल्वर कितना विश मांगेगा, चीटिंग करता रहता है बस, और कुछ काम नहीं है क्या? गाइज लिटरली ये पोकेमॉन मेरे पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, बस फायर, अभी फायर ब्लास्ट। अरे यार कुछ होगा ही नहीं, काम का ही नहीं है बिनो धट। बट इट फेल्ड, क्या फेल्ड हो गया? फायर ब्लास्ट देखे, देखते हैं कितना होगा इसके ऊपर अटैक। गाइस विश का पीपी कितना होता है, मतलब कितने बार ये विश यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब मेरे दिमाग में जा रहा है यार ये। लिटरली गाइस क्या फालतू करिए, एक और फायर पास देके देखते हैं।
खत्म। इस बार हम लोग सरवाइव नहीं करेंगे गाइस। गाइस विनोद भी मर चुका है सिर्फ टॉक्सिक की वजह से। तो अभी हम लोग किसको भेजें? एक काम करता हूँ, मिस मैगस को भेजता हूँ क्योंकि ये अटैक तो करता ही नहीं है ना पोकेमोन। तो अभी हम लोग पेरिस सॉन्ग यूज़ करेंगे क्योंकि अगर तू विश यूज़ करते रहेगा बेटा तो हमारे पास भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहले एक बार क्यों नहीं सोचा यार। बट अभी बैटल जल्दी ख़त्म होने वाली है गाइस क्योंकि तू कितना भी विश काउंट कर ले बेटा हमारे पास पेरिस सॉन्ग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको कन्फ्यूज़ करेंगे और फिर मारेंगे, मतलब फेंट करेंगे। कब से दिमाग खा रहा था। कन्फ्यूजन में खुद को ही मार लो बेटा फिर मज़ा आता है। इसके पास बहुत डिफेंस है गाइस देखा जाए तो। पेरिस काउंट 2 2। ओके एंड ये इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा शेडो बॉल भी मार के देखेंगे, कुछ होगा तो नहीं मेरे को भी पता है। बट अगर लकीली उसका जो सेल्फ डिफेंस है अगर गिर गया ना तो बहुत अच्छा होता है गाइस। विश यूज करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पेरिश काउंट 1 होते हम लोग हमारे पोकेमोन को स्विच कर लेंगे और इस ये तो स्विच नहीं कर पाएगा क्योंकि ये उसका लास्ट पोकेमोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं पेरिश काउंट 1 हो चुका है, ये टाइम है हमारे पोकेमोन को चेंज करने का। और ओके इसने मेन लुक करके रखा है, कोई बात नहीं, इसको अपनी बलिदान देनी पड़ेगी। और एक और शेडो बॉल दे के ख़त्म कर दे, मतलब ख़त्म तो लिटरली ये होने ही वाला है। टॉक्सिक, ओके लास्ट में टॉक्सिक कर रहा है। ओके मतलब इसके अचैम्स, मतलब इसके पास जो मूव्स है वो क्या टॉक्सिक है, विश है, फिर मेन लुक है और कौन सा है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गाइज इसी के साथ। अभी देख लो, पढ़ लो अभी क्या लिख के आने वाला है स्क्रीन में। मेरे को भी पता है, सबको पता है गाइज, पेरिश काउंट 0, मैं फेंट हो जाऊँगा और फिर हम लोग भेजेंगे ये जीत। मैं लेफियन के नाम करना चाहता हूँ गाइज, लिफियन ने हमारे बहुत मदद की। अम्ब्रियन पेरिश काउंट 0, चलो बेटा घर पे जाओ। कितनी भी हेल्थ हो, कितना भी डिफेंस हो, ओमकार के सामने नहीं चलता। ये थोड़ा फिल्मी डायलॉग हो गया गाइस। और इसके साथ लिफियन हो सका है 70 लेवल का लीफलेट सीख रहा है, जो कि हम लोग इसको ऑब्वियसली सिखाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कमज़ोर कमज़ोर ये थे। गीगा ड्रेन 75 का है, मैं मैजिकल लीफ हटा देता हूँ गाइस। लीफ ब्लेड, ओके हाँ मैजिकल लीफ हटा देता हूँ। और 70 लेवल का हो चुका है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो चुका है इन द एंड। एंड इसी के साथ हमने लीडर सिल्वर को हरा दिया है। आई नो हाउ टू टेक डिफीट ग्रेटफुली ग्रेसफुली। ओके हियर्स योर बैज। अब मेरे को देखना है ये बोलेगा क्या। ऑब्टेन द नाइट बैज, ओके दैट ब्रिज विल अलो यू टू यूज डिग। ओके दैट बैज विल अलो यू टू यूज डिग आउटसाइड ऑफ बैटल, हियर टेक दिस टू ऑब्टेन TM46। आई थिंक ये कोई दूसरा TM है, देखते हैं फिर भी। दैट TMs कंटेन मूव थीफ, ओके ओके थीफ, ओके कोई बात नहीं। नाउ दैट यू बीट मी आई एक्सेप्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू ओमकार। ओके यू बेटर किक द जोटो लीग्स एज। ओके तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं गाइज, और हमने सिल्वर को हरा दिया। और सिल्वर एंड में दिमाग लगा रहा था बट हमारे सामने सिल्वर बच्चा है गाइज। एंड आई थिंक आज का एपिसोड यही तक था। एंड गाइज पता है आज का एपिसोड छोटा है या मेरे को नहीं पता कितना टाइम हुआ, बट आई थिंक आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करेंगे गाइज क्योंकि अभी नेक्स्ट एपिसोड में हमें हमारा आखिरी जिम बैच के लिए जितने के भी जाना है, किधर भी है वो, आई थिंक ब्लैक थॉर्न सिटी में रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।